दोस्तों लॉन्ग जंप बढ़ाने के लिए आपके पैरों में बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। अगर आपके लेग में अच्छे से पावर बढ़ेगी तभी आप लॉन्ग जंप बहुत अच्छे तरह से निकल पाओगे। जब आप रनिंग करके आते हो, जब आप लॉन्ग जंप लगाते हो, तो लॉन्ग जंप लगाते वक्त आपका कभी कभी पैर नहीं उठता क्योंकि आपके लेग में दोस्तों पावर नहीं होती। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको, अगर आपको आपका जो लेग है उसको जल्दी से उठाना है दोस्तों, मैं आपको ऐसे दो वर्कआउट आज बताऊंगा जिसके वजह से, और अच्छे से दोस्तों वर्कआउट बताऊंगा ताकि आपका जो लेग है उसमें बहुत स्ट्रेंथ बढ़े और आप पैर बहुत अच्छे तरह से उठा सकते हो, और उसके वजह से आपका टेक ऑफ भी बहुत अच्छा जाएगा और आपकी जंप भी बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप जंप 3 मीटर लगाते हो या 4 मीटर लगाते हो दोस्तों, उसके वजह से, इस वर्कआउट के वजह से आपकी 5 मीटर तक की जंप जा सकती है, 1 मीटर प्लस जंप जा सकती है। सिर्फ आपको इस वर्कआउट को अच्छे से करना है, और दोस्तों आपको मैं अच्छे से बताऊंगा किस तरह से वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले आपको ग्राउंड पर आ जाने के बाद सबसे पहले हम लाइटली स्ट्रेचिंग करेंगे, उसके बाद हम कुछ ABC जंप करेंगे, फिर एक दो स्टार्ट लगाएंगे और फिर इस वर्कआउट को करना है। तो वर्कआउट कैसे करना है अच्छे से देख लो दोस्तों, गारंटी के साथ अगर आप इस वर्कआउट को अच्छे से करते हो तो आपके लेग में स्ट्रेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी और आपका जो पैर है वो आप जल्दी उठा पाओगे। सिर्फ इस वर्कआउट को अच्छे से करना है। तो चलो वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्कआउट, यहाँ पर हम सिंगल लेग हॉप लगाएंगे और हमें बिल्कुल नॉर्मल स्पीड से दोस्तों करना है, मतलब कि आपको घुटना, आपका जो घुटना है उसको बिल्कुल ही ऊपर नहीं उठाना। ऐसे आपको दोनों पैर पर करना है और एक पैर के आपको दोस्तों 2 सेट लगाने हैं, और ऐसे आपको दोस्तों 20 या 25 मीटर में करना है, और इस वर्कआउट को आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है। और दोस्तों आपको प्रैक्टिस इस तरह से करना है, आपको नॉर्मल इस तरह से नॉर्मल घुटना उठाना है, ज़्यादा फुल पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये दोस्तों आपका फर्स्ट वर्कआउट हो गया। फिर नेक्स्ट वर्कआउट में यहाँ पर देखो दोस्तों किस तरह से वर्कआउट किया है। यहाँ पर आपको घुटने को थोड़ा ऊपर उठाना है, सिंगल लेग हॉप ही यहाँ पर लगाना है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको घुटने को ऊपर उठाना है। दोस्तों मेरा घुटना किस तरह से उठा रहा है और दोस्तों आप अच्छी तरह से देखना, और ऐसे आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, तभी आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी जाएगी और आप भी पैर भी अच्छी तरह से उठा पाओगे, और ऐसे आपको दोनों पैर ऊपर करना है। थर्ड वर्कआउट, यहाँ पर दोस्तों आपको फुल एफर्ट लगाना है, आपको सिंगल लेग हॉप लगाते वक्त आपको दोनों घुटनों को ऊपर उठाना है, ऐसे आपको एफर्ट लगाना है। इसके वजह से आपके लेग में बहुत पावर बढ़ेगी और आपकी लॉन्ग जंप में बहुत हेल्प होगी। यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट वर्कआउट करेंगे, वो है बाउंडिंग। और बाउंडिंग दोस्तों कैसे करना है देखो, इस तरह से आपको दोनों पैरों पर इस तरह से आपको बम्प्स करना है, बॉडी को बम्प्स करना है, और ऐसे नॉर्मल तरीके से दोस्तों आपको करना है, और इस वर्कआउट से दोस्तों आपकी लॉन्ग जंप में बहुत हेल्प होगी, आपकी लॉन्ग जंप अच्छी जाएगी। और दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना ही करना चाहिए, तभी आप में बहुत फर्क पड़ेगा। फिर नेक्स्ट हमें थोड़ा दोस्तों मीडियम स्पीड से हम बाउंडिंग करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर हम एक्सरसाइज एक ही कर रहे हैं, लेकिन उसके करने की जो तरीका है वो अलग अलग आपको बता रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी दोस्तों लॉन्ग जंप बढ़ेगी। और इस वर्कआउट के आपको 2 या 3 सेट लगाने हैं, फिर इसके बाद हम फुल एफर्ट से बाउंडिंग करेंगे। ऐसे दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपकी लॉन्ग जंप में जल्दी सुधार होगी और आपकी लॉन्ग जंप बहुत अच्छी जाएगी।